हाय गाइस, आज हम लोग रोमन न्यूमेरल्स का पार्ट 3 देखेंगे। इट मींस कि ये लास्ट वाला जो वीडियो देखेंगे, इससे पहले के जो दो वीडियो उनको मिला के हमारा रोमन नंबर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में मैंने बताया था, उसमें से थोड़ा सा अभी बाकी था, तो इसलिए मैंने इसका थर्ड वीडियो बनाया। इसमें है कन्वर्टिंग रोमन न्यूमरल्स अबव 1000। इसका मतलब कि 1000 से ऊपर वाले जो रोमन नंबर्स हैं उनको कैसे लिखते हैं। इसके लिए भी पहले हम अपने 5 7 जो थे उनको हम अच्छे से रिमाइंड कर लेंगे। ये 1 को हम ऐसे बनाते हैं, 5 को वी की तरह एंड 10 को एक्स की तरह, और 50 100 500 एंड 1000 को एल सी और डी एंड एम ये नाम से हम लोग बोलते हैं, जैसे कि हम लोग अपने पहले के वीडियो में देख ही चुके हैं। अब हम इसको में ये देखेंगे कि 1000 या 1000 से अबव को जैसे किस तरह से हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे 1200 है, यानी कि 1200। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो पहले हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे 1000 प्लस 100 और प्लस 100, हमारा विधि वही रहेगा, मेथड वही रहेगा। बस हमें इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 1000 से लेके आगे के हैं उनको हमें बार, मतलब 5000 से जो होते हैं उनको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बार वो मैं अभी बताऊंगी, पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। 1200 है, यानी कि 1000 प्लस 100 प्लस 100। तो 1000 को हम लोग क्या लिखते हैं, एम, तो एम लिख दिया सीधे सीधे। और 100 को हम क्या लिखते हैं, सी, और नेक्स्ट और एक और 100 सी, तो हमने मिला के इसको क्या लिख दिया, एम सी सी। अब ऐसा ही एक और देख लेते हैं, 1500 1500, यानी कि 1000 1000 एंड प्लस 500। 1000 को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 500 को हम डी से करते हैं, तो हमारा ये इसका आंसर क्या हो गया, एम डी। ठीक है, अब ये आया नेक्स्ट 1400। इसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे, तो यानी कि 1000 को, हाँ हमने 1000 लिख लिया। 400 को हमेशा ये सी 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 करके नहीं लिखना है, 4 वाला हो या 9 वाला हो, इसको हमेशा उसके आगे वाले से माइनस में करके लिखना है। ये वाला जो चीज़ है ये 4 और 9 में ही होती है, कि अगर हमें 45 चाहिए, 49 इस तरह से चाहिए, तो हम उसमें से उसके आगे वाले से ही लेस करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें 400 चाहिए, तो 400 से हम 500 माइनस 100 करेंगे। तो अब हम इसके जो सिंबल्स लिख लेते हैं, 1000 को हम एम बोलते हैं, एम लिख लिया, एंड 500 को हम डी बोलते हैं। ठीक है, डी लिख दिया। अब माइनस हो रहा है तो माइनस का सी है, लेकिन जो भी माइनस होता है हम उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद में हम अपनी जो भी आगे का साइन होता है वो लिखते हैं। तो एम का तो एम लिख दिया, अब सी माइनस हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, सी डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 1600। इसमें क्या है कि 1000 को हम लोग एम बोलते हैं और 500 को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, और प्लस 100 है यानी कि सी, तो इसको हम मिला के क्या लिख देंगे, एम डी और सी। जब माइनस होता है तो सी आगे लिखा है, अब जब इसका सी का प्लस हुआ है, यानी कि 100 का प्लस हुआ है, तो हमने सीधे लाइन से ही लिख दिया कि एम डी सी। ठीक है, इसी तरह से हम 2000 का, 3000 का, यानी कि 2000 किसी का भी इसी तरह से करेंगे। इसमें 2000 और 3000 का कर लेंगे, तो 3000 तक हम लोग ट्रिपल एम यूज़ कर लेंगे, यानी कि एम एम एम। और उसके बाद का जो है हमारा, अगर 5000 होता है तो हम इसको 5 लिख के बार लगाते हैं, और उसके बाद में हम आगे का शुरू करते हैं। यानी कि अगर 4000 समथिंग है तो हम इसको 500 माइनस का आगे बढ़ा के करेंगे, यानी कि उसको 4 times एम नहीं लिखेंगे, 4 वाले को हमेशा 5000 माइनस जो भी है उसको करके करेंगे, यानी कि सीधे सीधे 4 times एम बना के उसका रोमन नंबर नहीं लिखेंगे। अभी हमारा आगे का देखिए, 5000 को हम डिवाइड करेंगे 5 into 1000, यानी कि 5 को हम, कौन सा साइन होता है हमारा, ये वी वाला, लेकिन 1000 में हम इसमें बार लगा देंगे, मतलब 5000 से जब लिखेंगे तो बार लगाएंगे, इससे पहले के में हम लोग बार नहीं लगाएंगे, इससे पहले में के में हम साइन ही यूज़ करेंगे। इसमें हम
5000 से ऊपर वाले जो भी हैं इसमें हम बार लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में है 10000, 10000, 10000 में क्या करते हैं 10 × 1000, और इसमें 10 का साइन बना लिया हमने यहाँ पे, और उसमें क्या किया कि 1000 वाले का हमने बार बना दिया ये, ठीक है। अब उसके बाद में ये है अगला, देखते हैं हम लोग 50000, 50000 को कैसे लिखेंगे, 50 × 1000, 50 को हम लोग क्या लिखते हैं L, और 1000 का हम लोग क्या लिखेंगे इसमें बार, यानी कि L के ऊपर ये बार बन गया, यानी कि एक लाइन होती है इसको बार बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे 1 लाख है, 1 लाख में क्या है 100000, तो 100 × 1000, 100 को क्या बोलते हैं हम लोग C बोलते हैं, C के ऊपर ये बार लग गया। ऐसे ही हम 5 लाख है, 5 लाख को क्या लिखते हैं 500 × 1000, 500 को हम क्या लिखते हैं डी, और 1000 वाला बार लगा दिया तो बार लग गया ये। इसी तरह से हम ये यहाँ पे करते हैं 10 लाख, 10 लाख में क्या है 1000 × 1000, तो इसको हम क्या करते हैं आगे वाले 1000 को हमने एम लिख लिया, और पीछे वाला जो 1000 है इसका हमने उसके ऊपर बार लगा दिया, तो यानी कि 5000 से जो ऊपर वाली जो संख्याएँ होती हैं उनको हम बार लगा के लिखते हैं। और इससे पहले कि हम अपने वीडियो में बता ही चुके हैं कैसे लिखते हैं, तो गाइस इन नंबर्स जो रोमन नंबर्स के जो 3 पार्ट्स है इससे हमारा ये क्लियर हो गया कि रोमन नंबर्स को हमें सिंपल वे में कैसे लिखना है। यही हमारी ट्रिक है कि आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। अगर आपने एक बार ये समझ लिया फिर आप कितनी भी बड़ी संख्या को रोमन नंबर्स में ऐसे ही लिख सकते हैं। इनको हम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको समझने के लिए आपको केवल 7 नंबर्स का ही ध्यान रखना है, जो कि ये हैं 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड ये 1000। तो 5 1 को 1, 5 को तो 5V होता है, 10 को X, और आगे वाले को आप कैसे याद करेंगे LCDM, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ LCDM। तो इसी को ध्यान में रखेंगे और हमारे सारे रोमन नंबर्स का पूरा जो है वो सब इन्हीं 3 वीडियोस में कवर हो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।